तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरा फेवरेट गेम कौन सा है, तो ऑब्वियसली मैं माइनक्राफ्ट ही बोलूंगा। लेकिन यार रोज एक ही गेम खेल के, सेम डब्बे देख के, सेम ही चीजें देख के बिल्कुल मैं बोर हो चुका हूँ। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मॉड्स जो कि माइनक्राफ्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। कुछ एकदम छोटे मोटे मॉड देखेंगे तो कुछ ऐसे मॉड्स देखेंगे जो माइनक्राफ्ट का नजारा ही बदल के रख देते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो में आगे। नंबर 8। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा पुराना सा मॉड दिखाता हूँ, लेकिन यार वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस मॉड का नाम है दा विंची वेसल्स। दा विंची पता है ना आपको, शायद उनके नाम पे रखा हुआ है। तो इस वाले मॉड में आप अपनी खुद की शिप बना सकते हो। आप सोच रहे हैं कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बना के ही दिखाता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ब्लॉक ले लो, उसका कुछ भी बना दो, बस उसके ऊपर स्टेयरिंग व्हील लगा दो, पैसेंजर सीट लगा दो और आपकी शिप रेडी है। एंड यही नहीं, आप इसमें चेस्ट भी लगा सकते हो, पीछे अपना बेड भी लगा सकते हो और इसको भाई कहीं पे भी घुमा सकते हो। एंड अगर आप पानी में जाके बोर हो गए हो तो आप एयरशिप भी बना सकते हो। फिर से भाई कोई भी ब्लॉक ले लो, उसका कुछ भी बना दो, लेकिन इस टाइम इसमें बलून्स भी डालने हैं, इसको उड़ाना जो है। पीछे यहाँ पे अपना बेड रख देते हैं, एक फर्नेस रख देते हैं, एक चेस्ट रख देते हैं और ये उड़ गई अपनी एयरशिप। ये चलता फिरता घर है भाई, जब मर्जी इसको उड़ा लो और जब मर्जी इसको अपना घर बना लो। एंड अगर आपको इसकी स्पीड कम लग रही तो भाई इसमें इंजन भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने 5 स्टीम इंजन लगा दिए, इनके अंदर कोल डाल देते हैं। एंड अब स्पीड देखो यार इसकी, एकदम फुल स्पीड में चलता फिरता घर बन गया ये तो। नंबर 7। तो जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड होता है वो काफी ज्यादा पुराने थीम पे बेस्ड होता है। अगर कोई भी चोरी डकैती करके किसी का मर्डर करके भाग जाए तो भाई कुछ नहीं करा जा सकता, पुलिस सिक्योरिटी जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। इसीलिए मैंने तो इंस्टॉल कर लिया भाई सिक्योरिटी क्राफ्ट। इस वाले मॉड के अंदर भाई सिक्योरिटी की चीजें भरी पड़ी है, एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आती है भाई ये सूटकेस या फिर ब्रीफकेस कह लो। इसके अंदर आपने अगर एक बार पासकोड सेट कर दिया तो बिना उसके उड़ के कोई भी नहीं खोल सकता, और फिर से वही पासकोड डाल दो 5555 खुल जाएगा आपका ब्रीफकेस। और सामान रखने के लिए ये छोटा पड़ रहा है तो एक सिक्योरिटी चेस्ट भी बना सकते हो आप, इसमें भी सेम पासकोड लगा दो और फिर से खुल जाएगा ये। बस एक चीज का ध्यान रखना, आप पासवर्ड ही ना भूल जाओ, फिर आपका सामान तो गया। एंड इस वाले मॉड में सबसे ज्यादा तगड़ी चीज है ये सीसीटीवी कैमरा। तो मान लो आपको सामने वाले विलेज में एक तगड़ी नजर रखनी है एंड पता लगाना हो कि ये विलेजर क्या क्या कारनामे करते हैं, 5-6 सीसीटीवी उठा लो और हर एक कोने पे लगा दो बिना किसी को बताए। एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ ऊपर की तरफ लगा देते हैं, एक पेड़ के ऊपर भी लगा देते हैं। वाटरप्रूफ कैमरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब हमें ये वाला मॉनिटर चाहिए होगा एंड सब कैमरास को इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब आप एक ही मॉनिटर से जितने भी कैमरा लगे हुए उनको एक्सेस कर सकते हो। ये है अपना कैमरा नंबर 2। इसमें हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं एंड एंगल चेंज करके सारे कोने देख सकते हैं। एंड भाई बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये की कार्ड स्कैनर, बिना की कार्ड के ये गेट भी नहीं खोलेगा। एंड और ज्यादा आपको खतरनाक वाली सिक्योरिटी चाहिए तो आप रेटिनल स्कैनर यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल फेस लॉक की तरह काम करता है, सिर्फ आप ही जाओगे ना इसके पास तभी ये गेट खोल के देगा। एंड अगर आपको बेस को एकदम सिक्योर बनाना है ज़ॉम्बीज और मॉब से, तो आप एक सेंट्री भी लगा सकते हो, कोई भी मॉब नहीं टिक पाएगा सामने। एंड इसके अलावा अगर आपको आपकी सारी सिक्योरिटी छुपानी है तो आप ये प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हो। इसमें कोई भी ब्लॉक डाल दो एंड इसको ऑन कर दो और सामने कुछ ब्लॉक्स प्रोजेक्ट करेगा और ये बिल्कुल नकली ब्लॉक्स होते हैं, आपका सारा सिस्टम छुप जाएगा इसमें। नंबर 6। तो माइनक्राफ्ट के अंदर सारी चीजें एकदम बढ़िया है, चाहे माइनिंग कर लो चाहे क्राफ्टिंग कर लो, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक चीज यार बहुत ही ज्यादा बेकार है, चीजें ट्रांसपोर्ट करना। तो मान लो आपको इतने सारे आइटम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने हैं तो आपको लगभग 3-4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक बार में ले जाने के लिए आपको शल्कर बॉक्स बनाने पड़ेंगे एंड वो हमें एंड डायमेंशन में जाके एंडर ड्रैगन को मार के, एंड सिटी ढूंढ के, शल्कर को मार के फिर बनाने पड़ते हैं, इतनी मेहनत क्यों करना। इसीलिए आपके सामने पेश है हॉर्स कार्ड्स। इस वाले मॉड में आपको 3 टाइप की कार्ड्स मिलेगी। सबसे पहले अपनी सप्लाई कार्ड, इसमें जितना भी चाहो उतना सामान भर दो, अपने हॉर्स के पीछे अटैच कर दो, फिर फुल स्पीड में लेके जाओ। दूसरी वाली अपनी एनिमल कार्ड, इसमें बस चीजों की जगह यहाँ पे एनिमल भर सकते हो एंड फिर से फुल स्पीड में ले जाओ। एंड तीसरी वाली कोई ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं होती, इससे आप अलग अलग टाइप के काम कर सकते हो। एंड एक छोटी सी दिक्कत है यार, ये कार्ट पानी में नहीं चलती ऑब्वियसली। इसका भी सोल्यूशन मैंने ढूंढ निकाला है और इंस्टॉल कर दिया एक्स्ट्रा बोर्ड्स। अपने नॉर्मल माइनक्राफ्ट में बोर्ड्स ऐसी होती है, लेकिन अब हम बोर्ड के अंदर एक चेस्ट भी रख सकते हैं या फिर एक फर्नेस भी। एंड सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट इसमें एक्स्ट्रा लार्ज बोर्ड, 4 विलेजर एक ही साथ ले जा सकते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई। नंबर 5। तो अगर हम माइनक्राफ्ट के एनिमल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर भाई 4-5 एनिमल है बढ़िया से। अपना बंदा या तो डॉगी टेम कर सकता है या फिर घोड़े के ऊपर घूम सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कैसा रहेगा अगर इस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में सारे वैरायटी के एनिमल एक साथ देखने के लिए मिलेंगे? ये चीज सिर्फ पॉसिबल है बेटर एनिमल प्लस के मॉड से। इस वाले मॉड में आपको छोटी सी ड्रैगन फ्लाई या फिर बटरफ्लाई से लेके बड़े एनिमल्स जैसे कि वेल या फिर बड़े वाले ऑक्टोपस भी रहेंगे इसमें। एंड एनिमल जैसे बियर, ब्राउन बियर, रेनडियर, ये तो आपको ऐसे रास्ते में घूमते हुए मिल जाएंगे। एंड कुछ एनिमल्स तो भाई तगड़ा वाला डैमेज भी देते हैं। और वहीं पे अगर हम पानी की तरफ चले, यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी, जैसे कि ये
पिराना फिश अटैक करती है आपको ये भी। और फ्लाइंग फिश तो भाई मैंने पहली बार देखी है, वैसे ही उड़ तो नहीं रही है। एंड सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे शार्क भी है, बहुत गंदा डैमेज देगी आपको। लेकिन आपको अगर इतने सारे एनिमल फालतू में नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि जो माइनक्राफ्ट में ऑलरेडी एनिमल है उनको ही बढ़िया बना दिया जाए, ये बात तो बिल्कुल डब्बे जैसे दिखते हैं, तो बेटर एनिमल प्लस मॉडल को अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपके सारे एनिमल एकदम तगड़े हो जाएंगे। जैसे कि काउ ऐसी दिखती थी वो ऐसी हो जाएगी, शीप भी डब्बे जैसे दिखती थी वो एकदम तगड़ी हो जाएगी। लेकिन इस वाले मॉड में एक एनिमल थोड़ा सा अजीब दिखता है, अपनी कैट, कुछ ज्यादा ही हेल्दी हो गई इसमें। नंबर 4 एंड जो अपना अगला वाला मॉड है वो माइनक्राफ्ट की आर्चरी एक्सपीरियंस को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो माइनक्राफ्ट में जो हम आर्चरी करते हैं वो तो एकदम घिसी पिटी, रोज एक ही एरो से यार वही मॉब्स मारना, कुछ मजा नहीं है। लेकिन अगर आप आर्चर्स पैराडॉक्स इंस्टॉल करते हो तो आपको पूरी 18 टाइप की अलग अलग एरोज मिलेगी और सब एरोज में अलग अलग इफेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले आती है ब्लेज एरो, जो अपना ब्लेज काम करता है, इस एरो को चलाने पे भी वही काम होता है, सामने वाले टारगेट को एकदम जला के राख कर देते हैं। एंड नेक्स्ट वाली अपनी ग्लो स्टोन एरो, जहाँ पे भी फायर करोगे उजाला हो जाएगा। सबसे ज्यादा तगड़ा यूज तो इसका केव के अंदर है, दूर से एरो मार दो मॉब्स भी खत्म हो जाएंगे एंड सारी जगह लाइट भी हो जाएगी। एंड अगली वाली एरो तो और ज्यादा खतरनाक है, इसका नाम है एंडर एरो। जैसे हम एंडर पर्ल फेंकते हैं हम खुद टेलीपोर्ट हो जाते हैं, इस वाली एरो को जिस पे भी मारोगे वो अपने पास टेलीपोर्ट हो जाएगी। वैसे तो इसमें यार और बहुत सारी एरो है, जैसे कि ये TNT वाली एरो, जहां पे भी फायर करोगे धमाका हो जाएगा। एंड सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है ये थंडर वाली एरो, जैसे ही फायर करते हो भाई थंडर निकलती तगड़ी वाली। और एक तो बहुत ही ज्यादा अजीब एरो है इसमें, जिसको भी मारो भाई हवा में उड़ा देती है। नंबर 3, तो माइनक्राफ्ट का जब वर्जन 1.16 आया था तब नए नए स्ट्रक्चर ऐड करे गए थे, अपना बेस्टियन रेमिनेंट और रियून पोर्टल। एंड उसके बाद से भाई माइनक्राफ्ट स्ट्रक्चर को तो भूल ही गया है, आज तक एक भी स्ट्रक्चर नहीं आया। एंड जरा सामने तो देखो तुम, काफी अलग लग रहा होगा आपको डेजर्ट टेम्पल, क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर दिया रिपर्पज स्ट्रक्चर। जैसा नाम है इसका वैसे इसका काम है, माइनक्राफ्ट में जितने भी स्ट्रक्चर होता है उनको एकदम बढ़िया बना देता है, एकदम चेंज कर देता है। जैसे कि अभी तक नॉर्मल 4-5 टाइप के विलेज होते थे, एंड अब आपको हर बायोम में नया विलेज देखने के लिए मिलेगा। एंड जंगल और स्वाम्प बायोम वाले विलेज भी इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड ये तो भाई कुछ भी नहीं है, नेदर के अंदर भी आपको विलेज देखने के लिए मिल सकते हैं, और क्या ही चाहिए। एंड इसके अलावा माइनशाफ्ट, डेजर्ट पिरामिड, जंगल टेंपल, सब कुछ चेंज हो चुके हैं। एंड यहाँ तक जितने भी ओवरवर्ल्ड के स्ट्रक्चर थे वो आपको अब नेदर में भी देखने के लिए मिलेंगे। एंड माइनशाफ्ट और शिपरैक तो भाई एंड में भी आपको दिख जाएंगे, और ऐसे वैसे सारे स्ट्रक्चर नहीं एकदम बढ़िया तरीके से जनरेट हो रखे हैं। जैसे कि ये नेदर के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, हर एक चीज एकदम डिटेल में। एंड इसके अलावा जो टेम्पल होते हैं वो नेदर में और ज्यादा ओपी लूट देंगे, और ये वाली चेस्ट बिना सोचे समझे खोल दिए ना धमाका। दूसरा नंबर, तो माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी हम एक डॉग टेम करते हैं तो हमारी वो प्रोटेक्शन करता है जो भी मॉब हमें मारता है। एंड जहाँ पे भी हम जाते हैं हमारे पीछे पीछे आ जाता है हर जगह, और कभी कभी तो जादू की तरह टेलीपोर्ट भी हो जाता है। मतलब यार अपने डॉगी काफी ज्यादा हेल्पफुल बन जाते हैं। एंड अगर आप इंस्टॉल करते हो डॉगी टैलेंट्स को तो आपके डॉग्स में टैलेंट्स आ जाते हैं। इसमें आप एक छोटा सा डॉगी से लेकर एकदम बड़ा डॉगी पाल सकते हो, और इसमें भाई टेक्सचर की तो कोई कमी नहीं है। एंड इस वाले मॉड में आप डॉगी को नहला सकते हो, डॉगी के लिए अलग से खाना रख सकते हो, एंड डॉगी के लिए अलग से बेड भी है भाई इसमें। और ये भी आप चूज कर सकते हो कि आपका डॉगी कैसा बिहेव करेगा, जैसे कि अगर अग्रेसिव कर दोगे जो भी मॉब पास आएगा उसको खत्म कर देगा ये। एंड फ्री टाइम में इसके साथ आप इजीली खेल भी सकते हो, स्टिक या फिर बोन फेंक के मारो ये आपके लिए फटाफट उठा के लाएगा। एंड डॉग्स को आप अलग अलग कॉस्ट्यूम भी पहना सकते हो, ये तो मैं बताने भूल गया था। नंबर 1, तो आपने अभी तक नए स्ट्रक्चर भी डाल दिए हैं, नए एनिमल भी डाल दिए हैं माइनक्राफ्ट में, लेकिन अभी भी यार हम बोर हो रहे हैं, एक काम करते भाई स्पेस में ही चले जाते हैं। जी हाँ ये भी पॉसिबल है। तो अगर आप इंस्टॉल करते हो स्पेस बॉस टूल्स को तो आप मरकरी, मार्स या फिर आउटर स्पेस स्टेशन भी जा सकते हो। जैसे ही आप अपने नए वर्ल्ड में घुसते हो सबसे पहले तो आपको एक गिरा हुआ मीटियोर दिखेगा, इसमें तो खैर मेरे को कुछ नहीं मिला। इसके बाद हमें एक लॉन्च पैड बनानी पड़ती है, और यहाँ पे अपने पास 3 टाइप की रॉकेट होती है, Tier 1, Tier 2, Tier 3। हम बैठ जाते हैं भाई Tier 3 में, इसका फ्यूल एकदम भर देते हैं। अब बारी है लॉन्च की, इसकी स्पीड भाई कुछ ज्यादा ही है, भाई कितना ऊपर लेके जाएगी। सबसे पहले तो हम मार्स पे चलते हैं, भाई धमाके के साथ एंट्री हुई है, और ये जमीन भाई कितनी ज्यादा अलग लग रही है, पूरा रेड रेड दिख रहा है। और अपना बंदा देखो भाई कितनी लंबी जंप मार रहा है, और ये तो भाई मैं क्रिएटिव में हूँ, सर्वाइवल में होता तो भाई डैमेज भी पड़ता, क्योंकि मैंने स्पेस सूट अभी तक नहीं पहना है। तो इस वाले मोड में भाई एकदम तगड़ा वाला स्पेस सूट भी मिलता है, और एक भाई गाड़ी भी मिलती है तगड़ी सी। यहाँ पे पूरा रेड रेड इलाका है, एंड मरकरी पे जाते तो थोड़ा पिंक टाइप हो जाता है। एंड इसमें सबसे ज्यादा
बेस्ट जगह है जाने के लिए मून। ये भाई पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट इलाका है एंड सबसे ज्यादा तगड़ी चीज मून पे भाई एलियन के बेस बने हुए हैं, जो कि अंदर से दिखने में काफी ज्यादा एकदम प्रीमियम है। एंड एलियंस के नाम पे कुछ विलेजर जैसे लोग रहते हैं जिनका सिर कुछ ज्यादा ही लंबा है, और सभी एलियन के आपको अलग अलग घर मिल जाएंगे और लूट तो भाई तगड़ी है इनके पास। और यहाँ पे इन्होंने वीट भी उगा रखा है, हदी हो गई। और इन एलियन से आप ट्रेड भी कर सकते हो, वो भी एमरल्ड के साथ, कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं दे रहे भाई ये। तो इसी के साथ गाइज ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको बढ़िया लगी तो यार लाइक कर देना, एंड अगर आपको सर्वाइवल सीरीज देखनी है तो मेरे को फेसबुक पेज पे जाके फॉलो कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।